है. ओके, सो वी आर डिस्कसिंग अ केस बिटवीन व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड एफ वन. नाउ लेट्स प्लेस द ऑब्जेक्ट. ये ऑब्जेक्ट को प्लेस करा अपन ने यहाँ पे, ठीक है, बिटवीन समवेयर बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस. देन मार्क इट एज ए बी. ए बी ये मार्क कर दिया. रूल वही लगाना है अपन को, फर्स्ट रे बना दो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. ओके, देन आफ्टर आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल पास थ्रू द फोकस. तो इसको फोकस से पास करो, ये फोकस से पास कर दिया, ठीक है. तो ये हमारी रिफ्रैक्टेड रे. नाउ नेक्स्ट नेक्स्ट रे बनाओ. तो ऑप्टिकल सेंटर से पास कर देते हैं, अनडेविएटेड पास हो जाएगी. तो ये ऑप्टिकल सेंटर से पास कर दो इस तरह से. ओके, सो इट विल पास अनडेविएटेड. नाउ व्हेन यू सी इट बोथ द रिफ्रैक्टेड रेज, दीज रिफ्रैक्टेड रेज आर सेपरेटिंग टू ईच अदर, ब्रॉड होती जा रही है, इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ती जा रही है. तो आगे जाके तो ये कहीं मिलेगी भी नहीं, ठीक है. तो अगर हम इन्हें एक्सटेंड करें इन बैकवर्ड डायरेक्शन, इफ वी एक्सटेंड देम इन अ बैकवर्ड डायरेक्शन समवेयर लाइक दिस, सो दे अपियर्स टू मीट एट दिस पॉइंट. ओके, दे अपियर्स टू मीट एट दिस पॉइंट. और इस पॉइंट को अपन मार्क कर देते हैं ए डैश. ओके, तो यहाँ आपकी जो है ये आपकी इमेज बन जाएगी ए डैश, और ये पॉइंट हो जाएगा आपका बी डैश. ओके, सो वापस यहाँ पे आपको पॉइंट्स वही लिखने हैं. सबसे पहले आपको बताना है पोजीशन. तो पोजीशन जब आप इसकी लिखो तो पोजीशन में आप ये लिखना कि भाई सेम साइड एज ऑब्जेक्ट, ठीक है. सेम साइड एज ऑब्जेक्ट का मतलब है अगर आपके घर में मैग्नीफाइंग ग्लास हो, जैसे बचपन में होता था हमारे घर में भी, हमारे पास या लेबोरेटरी में होता था, तो एक बार आप मैग्नीफाइंग ग्लास को रख के देखना. अच्छा, कभी किसी ने मैग्नीफाइंग ग्लास यूज कराया आप में से? यस सर, मैंने करा है। आपने ऐसा देखा है कि जो वर्ड्स होते हैं वो थोड़े ऊपर उठे हुए से दिखते हैं? यस सर, थोड़े से बड़े भी होते हैं ना तो सर वो नीले दिखते हैं, ऊपर रहते हैं. हाँ, आप मूवीज में भी देखना, वैसे भी खुद भी करके देखना, आपको ऐसा लगेगा वर्ड्स क्या है थोड़े ऊपर उठे हुए हैं. तो वो इसलिए होता है क्योंकि जो उनकी इमेज फॉर्म होती है ना वो सेम साइड एज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की तरफ ही फॉर्म होती है इसलिए, ठीक है. इसके बाद साइज तो आप देख ही रहे हो, साइज कैसा आ रहा है, हाईली मैग्नीफाइड आ रहा है. हाँ, मैग्नीफाइड लार्ज लिख सकते हो, मैग्नीफाइड लिख सकते हो, एज यू विश, ठीक है, हाईली मैग्नीफाइड आ जाएगा. और साइज के बाद अपन को लिखना है नेचर. तो नेचर आप देखें कि अपीयर टू इंटरसेक्ट का मतलब होता है कि इमेज जो बन रही है वर्चुअल है, नहीं रहे, वेरी ठीक है. सो दीज आर, आई स्किप वन ऑफ द केसेस, बट ऑल दीज केसेस व्हाट आई डिस्कस्ड, दीज आर द सम ऑफ द इम्पोर्टेंट रे डायग्राम्स. एटलीस्ट यू हैव टू रिमेंबर दीज रे डायग्राम एंड यू पीपल हैव टू प्रैक्टिस टू हाउ टू ड्रॉ नीटली ऑल दीज डायग्राम्स, ऑल दीज रे डायग्राम्स. एंड अगेन मैं एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बता दूं कि रे डायग्राम लेंस के ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एज कम्पेयर टू मिरर. मैं ये नहीं कह रहा कि मिरर के नहीं करने करने, बट जो ज़्यादा क्वेश्चन बनता है, जो इम्पोर्टेंट होता है, वो लेंस होता है, और लेंस के ही न्यूमेरिकल भी ज़्यादा पेपर में पूछते हैं आपसे, ठीक है. तो ये केसेस हमने डिस्कस करें. सो दीज ऑल आर द केसेस रिलेटेड टू द कॉन्वेक्स लेंस. नाउ लेट्स टेक टू, ओनली देर आर ओनली टू केसेस फॉर द कॉन्केव लेंस. सो लेट्स टेक अ केसेस फॉर कॉन्केव लेंस, ठीक है. अब अपन किसके लिए केस ले रहे हैं, कॉन्केव लेंस के लिए, ठीक है. सो इन कॉन्केव लेंस वी हैव टू केसेस. सो इन फर्स्ट केस ऑब्जेक्ट इज एट इनफिनिटी. सर आपके नोट्स ही ओपन कर लीजिए ना. नहीं नहीं नहीं, मजा आ रही है बनाने, देख लो, ऐसे पढ़ाने में ज्यादा अच्छा लग रहा है. वैसे सब बना हुआ है मेरे पास, नोट्स में सारी चीजें हैं, ठीक है. देखो थोड़ी इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट होगा, सबसे पहले कॉनकेव लेंस बनाते हैं. तो ये कॉनकेव लेंस हमने बनाया, ठीक है. उसके बाद प्रिंसिपल एक्सिस, सो ड्रॉ प्रिंसिपल एक्सिस. तो प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर ली, ठीक है. देन ऑप्टिकल सेंटर, सो दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर. नाउ ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी. अच्छा, फोकस मार्क कर लेते हैं. तो ये फोकस मार्क कर लिए इसके,
इक्विडिस्टेंस में ये हो गया आपका एफ टू, फोकस मार्क कर लेते हैं। अच्छा इसमें मुझे बताओ कि अगर इसमें हमें जस्ट मार्क करना है कि फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस मार्क करना है, तो फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस के केस में इमेज कहाँ बनती है बताओ मुझे। फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस के केस में इंफिनिटी इमेज कहाँ बनती है? इंफिनिटी इंफिनिटी पे बनेगी, इंफिनिटी इंफिनिटी फोकस इंफिनिटी पे बनेगी। तो फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस किधर आएगा इसका, राइट साइड आएगा लेफ्ट साइड आएगा? पे राइट इंफिनिटी राइट साइड राइट राइट साइड साइड आएगा। ठीक है, तो इस तरह से अपन ने मार्क कर दिया इसको, इसको एफ वन कर दिया, इसको टू एफ वन। ठीक है, ये हो गया टू एफ टू। नाउ आवर इमेज आवर ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड एट इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी पर है तो रे कैसे आएगी, पैरेलल। तो इस तरह से पैरेलल रेज बना दो। सो दीज आर द टू पैरेलल रेज, ये पैरेलल रेज आ। ठीक है, नाउ दीज टू आर द इंसिडेंट रेज। नाउ वी नो दैट द कॉनकेव लेंस इज अ, कॉनकेव लेंस इज व्हाट, कॉनकेव लेंस इज अ डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, डाइवर्जिंग लेंस होता है यस तो ये क्या करेगा, डाइवर्ज कर डाइवर्जिंग देगा। ठीक है, तो रे को डाइवर्ज कर देगा, तो ये इसकी बन गई रिफ्रेक्टेड रे। एक रिफ्रेक्टेड रे हो गई और एक रिफ्रेक्टेड रे। ठीक है, सो दीज आर द रिफ्रेक्टेड रेज। नाउ टू फॉर्म द इमेज वी एक्सटेंड देम इन अ बैकवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड ऐसे बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड कर देंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर मीट करेगी, यहाँ पर मीट करेगी, वहां पर क्या हो गया आपकी इमेज फॉर्म हो गई। तो ये इमेज जो फॉर्म यस हुई है यहाँ पर हम लिखेंगे व्हाट इज द पोजीशन ऑफ फोकस इमेज। टू हाँ, तो एट फोकस टू फोकस, F2 ठीक है, एट फोकस है प्रिंसिपल फोकस, और कहाँ पर फॉर्म हो रही है, एफ टू पर फॉर्म हो रही है। सेकेंड आपको लिखना होगा, इसमें बताना होगा कि व्हाट इज द साइज, साइज क्या हो सर जाएगा पॉइंट आपका, लाइक और एक्सट्रीमली, डिमिनिश्ड डिमिनिश्ड और पॉइंट लाइक हाँ एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड डिमिनिश्ड एंड पॉइंट लाइक इमेज। ठीक है, तो एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड हो जाएगा। इसके बाद आपको बताना होगा इसका नेचर, तो नेचर में वर्चुअल अपियर्स इरेक्ट टू मीट एंड, वर्चुअल हाँ वेरी गुड, अपियर्स टू मीट है तो क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। इरेक्ट ठीक है, तो इस तरह से आपको ये बनाना, और ये डायग्राम तो आपको ध्यान है, ये डायग्राम आपने किसने किस केस में बनाया था, जब आपने सेकंड प्रिंसिपल फोकस डिफाइन किया था। सेकंड यस प्रिंसिपल सर फोकस में ऑब्जेक्ट कहाँ होता है, इन्फिनिटी पे होता है, जिन्हें तो ये फोकस केस कराया तो आपने वहां पे ड्रॉ कराई हुआ है पहले। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका। यस एक केस और इसमें डिस्कस करते हैं, सेकंड केस। इसमें क्या होता है कि ऑब्जेक्ट इज बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड इन्फिनिटी। ठीक है, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड इन्फिनिटी, तो वापस से देखते हैं अपन किस तरह से बनता है, कॉनकेव लेंस बनाते हैं। तो काफी ये कॉनकेव लेंस बनाया आपने, ठीक है, इसके बाद प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लो, ऑप्टिकल सेंटर मार्क कर लो, ये ऑप्टिकल सेंटर मार्क कर लिया। अब ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में कहीं पर आपको ऑब्जेक्ट को प्लेस करना है। ठीक है, तो कहीं भी ऑब्जेक्ट प्लेस कर दे, जैसे ये ऑब्जेक्ट आपने यहाँ प्लेस कर दिया, ये ऑब्जेक्ट प्लेस कर दिया। ठीक है, और ऑब्जेक्ट को कर देते हैं ए बी, ये ए बी ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, दो रेज की जरूरत पड़ेगी, पहली रे बना लो, दिस इज द फर्स्ट रे। ठीक है, नाउ दिस रे इज, दिस रे विल डाइवर्ज आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस, तो इसको डाइवर्ज कर दो, ये सही कही डाइवर्ज कर क्या दिया। ठीक है, इस तरह से डाइवर्ज कर दिया। सेकंड ठीक है, इसको अब, ऑप्टिकल लेंस हाँ सेकंड का, हाँ सेकंड वाला वो पास कर दो, सेकंड कहाँ से पास करें, ऑप्टिकल सेंटर से पास कर देते हैं। अच्छा पहली बात ये देखो, आप पहले अपना रूल क्या है कि व्हेन द रे इज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस देन आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू द लेंस इट विल पास थ्रू द फोकस और इट अपियर्स टू पास थ्रू द फोकस, है कि नहीं ये रूल यस अपना? ठीक है ना, तो पहले यस रूल लगा दें, सर इसको बैक ट्रेस करते हैं। जब एक्ट्रेस आप कर इसको देते बैक ट्रेस करोगे इस तरह से, सो इट विल कट द प्रिंसिपल एक्सिस, और जहां पर भी कट कर रहा है यहाँ पर ये आपका फोकस बन जाएगा, इसको एफ टू मार्क कर देते हैं, ये फोकस हो गया। ठीक है, अब सेकेंड रे की जरूरत पड़ेगी, तो सेकेंड रे बना लो आप, ये सेकेंड रे जा रही है, इसको ऑप्टिकल सेंटर से पास कर दो, तो अनडेविएटेड क्या होगी, वो ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी, तो ये सेकेंड रिफ्रेक्टेड रे हो गई। ये दोनों जहां पर इंटरसेक्ट करेंगे, यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, ये आपकी इमेज बन जाएगी, ये आपकी इमेज हो इमेज गई, तो इसको मार्क कर देते हैं ए डैश और इसको मार्क कर देते हैं यहाँ पर बी डैश। ठीक है, तो अब आपको लिखना है जो अपने पॉइंट्स हैं वो क्या है, पोजीशन
सो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इमेज बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस एंड हाँ ऑप्टिकल एंड फोकस, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में बनेगा। साइज, इसमें साइज कैसा होगा आपका? साइज डिमिनिश्ड हो जाएगा, आपको यू कैन सी वेरी इजीली साइज क्या हो जाएगा, डिमिनिश्ड हो जाएगा। और थर्ड जो है इसमें नेचर, तो नेचर जो बनेगा वो किसी बनेगी, वर्चुअल एंड डायरेक्ट, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। ठीक है, सो ये दो केसेस हैं आपके, किसके हैं कौन, एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड भी लिख सकते हैं ना? नहीं, ये एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड